देखो ये युवराज वही हैं जिन्हें तुमने इंदु के विवाह के वक्त कबड्डी के खेल में हराया था। हम तो कल्पना कर रहे थे कि आप फिरंगियों की तरह उन्हीं की वेशभूषा में पधारेंगे। अवश्य उसी तरह आता, पर आपसे मिलने के बाद मेरी मिट्टी के प्रति मेरे दायित्व ने मेरी आंखें खोल के रख दी। हो सके तो मेरे दुर्व्यवहार के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। नहीं नहीं, हमें आपसे कभी कोई शिकायत थी ही नहीं। अब हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, पूर्ण स्वाधीनता। सर, हम यहाँ क्वीन ऑफ विक्टोरिया के बताए प्लान को एग्जीक्यूट करने आए। थोड़ी थर्ड जून को जो क्वीन ऑफ झांसी करना चाहती है, हमें उसके ओरिजिनल प्लान से उसे डाइवर्ट करना होगा। सर, मोट के युवराज ने भी महारानी लक्ष्मीबाई को सशस्त्र सहायता देना स्वीकार कर लिया है। तो उन्हें करने दो। अगर 10 और किंग्स भी क्वीन ऑफ झांसी को सपोर्ट करना चाहेंगे तो भी वो उसका मिशन को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। यस सर। सिंधिया नरेश ने हमारे लिए क्या संदेश भेजा है? झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई, आपके विचारों से मैं प्रभावित अवश्य हुआ, परंतु सत्य ये है कि हम शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य को हराना तो दूर, उनके प्रतिरोध करने की क्षमता भी नहीं रखते। इसलिए आपसे अनुरोध है कि ऐसा करने का विचार त्याग दें। इसी में झांसी की भलाई है। शांति के संदेश के साथ आपके लिए कुछ भेंट भेज रहा हूँ, आशा है आप स्वीकार करेंगे। आपका हितैषी सिंधिया नरेश, जियाजी राव सिंधिया। चले जाइए यहाँ से, और ये जो भेंट लाए इसे भी ले जाइए, और कह दीजिएगा अपने महाराज से कि हम उनकी सहायता के बिना भी इन फिरंगियों को हराकर पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करके रहेंगे। इसीलिए मनु, थोड़ा धीरज रखो। इससे पहले किसी और राज्य से कोई और संदेश आ जाए, तुम्हें अपने बाल कलाकारों को पुरस्कृत करना चाहिए। वो कब से पुरस्कार पाने की आस में बाहर धूप में खड़े हैं। ठीक है, उन्हें शीघ्र ही हम बुलाएंगे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार आयुष्मान दामोदर गंगाधर राव नेवालकर को दिया जाता है। युवराज, अब आ भी जाइए। दामोदर, आइए, कहाँ हैं आप? युवराज, दामोदर, कहाँ हैं आप? युवराज, काशी, कुछ पता चला दामोदर कहाँ है? हर जगह ढूंढ लिया, युवराज महल में कहीं भी नहीं है। नगर के सारे द्वार शीघ्र बंद किए जाए। सैनिकों, द्वार बंद करो।